खबर चमोली के गोपेश्वर मुख्यालय से है, जहां उद्यान विभाग के द्वारा महिलाओं को मशरूम उत्पादन का प्रशिक्षण देकर स्वयं सहायता समूह की महिलाएं अच्छा उत्पादन कर अच्छी कमाई भी कर रही हैं। गोपेश्वर मुख्यालय के तल्ला नेकबाड़ स्थित राज्य राजेश्वरी स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने प्रशिक्षण लेकर मशरूम उत्पादन का कार्य शुरू किया है, जिससे वह अच्छा उत्पादन कर अच्छी कमाई भी प्राप्त कर रही हैं। महिलाओं ने कहा कि स्वरोजगार की दिशा में यह एक अच्छा कदम है। आने वाले समय में अगर सरकार ने उन्हें सहयोग दिया तो वह अपनी महिला समूह को और सशक्त बनाकर गाँव की सभी महिलाओं को रोजगार की ओर जोड़ने की कोशिश करेंगी। इसके साथ ही विभाग के मुख्य उद्यान अधिकारी तेजपाल सिंह ने स्थलीय निरीक्षण कर महिलाओं को उत्साह वर्धन किया है। चमोली से संदीप कुमार की रिपोर्ट। नाम इंदु बड़वा, तला नेगवार से बोले। हम समूह द्वारा ये मशरूम कर रहे, बहुत अच्छा हो रहा हमारा मशरूम, और मार्केट में भी हमारे बहुत नाम आ रहे, कह रहे कि अच्छे हो रहे मशरूम। अभी तो हमको कुल मिला के 4.5 अभी पहले बार काटा है, आज देखते हैं कितना हुआ। आज ये दूसरे बार काट रहे हैं और तो अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, लगता है कि मतलब काफ़ी अच्छा होगा, उम्मीद भी है। कहते हैं ना, एक बार अपना विश्वास होगा तो विश्वास पे ही चलना चाहिए, वो विश्वास हमें है कि काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। और हमने एक सोच बना दिया कि हम इसकी मतलब व्यापार अच्छा करेंगे। विपणन के लिए जो है विभाग जो है किसानों को जो है हमारे जो जैसे आउटलेट खुले हुए हैं उनके माध्यम से हम लोग जो है कई बार जो है किसानों को मंच प्रोवाइड करवाते हैं, परंतु अभी तक ऐसी समस्या यहाँ पर इनके द्वारा भी नहीं अवगत कराया गया है कि जो ऐसी कोई समस्या आ रही है, क्योंकि हाथों हाथ जो है इनका उत्पाद जो है यहाँ पर लोकल मार्केट में बिक जा रहा है। तो अभी तक ऐसी कोई समस्या नहीं है। अगर इस प्रकार की कोई समस्या रहती तो हम इनके लिए जो है पैकेजिंग मटेरियल या अभी हम जो है क्या नाम है